नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं आदित्य आपके साथ। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस पर अभियान चलाकर जो है एक मिनी गन फैक्ट्री का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है, जहां पे गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है, जिसमें मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। वहीं मौके से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पास से जो है अर्धनिर्मित हथियार को भी बरामद किया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए SDPO टू टाउन क्या कुछ कर रही है, पहले आप सुनिए। दिनांक 3/4/2024 को गुतरू से सूचना मिली कि सदर थाना अंतर्गत ग्राम मझौलिया वार्ड नंबर 4 में मोहम्मद मैदीन पिता मरहूम अब्दुल गफूर के घर पे देसी हथियार बनाने तथा मिनी गन फैक्ट्री चलाने की सूचना प्राप्त हुई थी। और सूचना प्राप्त होने के आधार पर ही वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर 2 द्वितीय के नेतृत्व में इस टीम को गठन करके इससे छापामारी की गई, जिसमें प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक और थानाध्यक्ष सदर भी शामिल थे। और छापामारी के क्रम में जो मानवीय तथा तकनीकी आसूचना संकलन जो हुई, उसके आधार पे हमें पता चला कि जो मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी मोहम्मद मैदीन के घर पे, वहाँ पे काफ़ी सारे अर्धनिर्मित लोहे के बने हुए हथियार, कुछ देसी कट्टा, मिसफायर की हुई कारतूस, बैरल, कुछ छेनी और बहुत सारे ऐसे चीज़ें, ट्रिगर और बहुत सारी चीज़ें जो कि अवैध हथियार बनाने के काम आती हैं, उन चीज़ों को प्राप्त किया गया। और छापामारी के क्रम में छापामारी की गई और विधिवत तलाशी के क्रम में उनके घर से ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई, जिसके बाद जो अभियुक्त हैं मोहम्मद मुनचुन पिता मोहम्मद मैदीन, उन्हें कल गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और इस संबंध में सदर थाना कांड संख्या 222/24 दर्ज हो चुकी है और अनुसंधान किया जा रहा है। इनका कोई रिकॉर्ड वगैरह पहले से? अभी इनका आपराधिक इतिहास कुछ मिल नहीं पाया है। इसके बैकवर्ड लिंकेजेस पे भी हम काम कर रहे हैं कि जो ये गन फैक्ट्री चल रही थी अवैध तरीके से, तो किसके लिए बना रहे थे और कहाँ पे ये सप्लाई होता है, इन पे हम जांच कर रहे हैं। अंतर जिला भी कुछ कनेक्शन है? ये जांच का विषय है, अभी हम लोग इस पे अनुसंधान करके आपको इस संबंध में जानकारी देंगे। तो आपने सुना SDPO टाउन 2 क्या कुछ कर रही थी। वही आपको बता दें कि जिले में लगातार पुलिस ने जीरो टॉलरेंस पर अपराध के विरुद्ध जो है जीरो टॉलरेंस पर लगातार अभियान चला रही है, जिस क्रम में सदर थाने क्षेत्र से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें मिनी गन फैक्ट्री का भी पुलिस ने उद्भेदन किया है। तो इसी तरह के तमाम फोटो देख रही है फर्स्ट लुक बिहार।